हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम कार 077 में। देखिए, मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ मारुति सुजुकी की तरफ से। बहुत बढ़िया अपडेट है। तो यार, वो अपडेट, हम ऐसे अपडेट देते रहते हैं आप लोगों को यार। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो अपडेट सुनिए। अपडेट क्या है भाई, मारुति सुजुकी की तरफ से जिम्नी लॉन्च होने वाली है, जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। अब इसके दो वेरिएंट लॉन्च होने वाले हैं, एक तो होगा 3 डोर में और एक होगा 5 डोर में। उम्मीद करते हैं कि वो जनवरी में लॉन्च होगा 3 डोर वाला, और जो 5 डोर वाला होगा वो लॉन्च होगा हमारा मार्च 2023 में। तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा, के बारे में अपडेट देता हूं। ये थार के कंपैरिजन में उतार रही है कंपनी। तो पहले तो मैं आपको ना सिर्फ 3 डोर के बारे में पूरा बताता हूँ। 3 डोर की देखिए, इसकी जो लेंथ रहेगी वो 3645 mm की रहेगी, विड्थ रहेगी 1645 mm की, हाइट रहेगी भाई 1725 mm की, व्हील बेस रहेगी भाई 2250 mm का, बूट स्पेस 85 लीटर का हमें मिल जाएगा, ग्राउंड क्लीयरेंस 210 mm का हमें मिल जाएगा भाई। ये 3 डोर की पूरी बता रहा हूँ आपको। अब बात करता हूँ भाई मैं इसकी 5 डोर वाले की। देखिए, 5 डोर वाला जो है ना, आपको 1.5 लीटर का इसमें इंजन मिलेगा, और 3 डोर में भी हमें भी वही 1.5 इंजन मिलने का, ठीक है। और जो 3 डोर वाले की मैं आपको पूरी क्लियर कर देता हूँ। पहले तो 9 लाख से 12 लाख की इसका एक्सशोरूम प्राइस पड़ेगा जनवरी 2023 में, ये हमें मिलने वाली है। और 4 सीटर रहेगी ये 3 डोर वाली। अब बात करता हूँ पूरी मैं इसकी जो है 5 डोर वाले की। तो 5 डोर वाले में हमें 2 इंजन के मिलेंगे, एक तो ऑटोमेटिक और एक मैनुअल, जो 1.5 माइल हाइब्रिड के साथ हमें मिलेगी। और इसका एक्स शोरूम प्राइस जो रहेगा भाई, वो रहेगा 13 लाख से 16 लाख के बीच में, ठीक है। तो इसकी लेंथ पर थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई ये 5 डोर है। 3995 mm विड्थ पड़ेगी भाई 1645 mm, यानी कि 1645 mm। हाइट पड़ेगी भाई 1725 mm। व्हील बेस पड़ेगा इसका 2250 mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm की पड़ेगी, जो हमें 3 डोर में मिल रही थी। बूट स्पेस भी सेम मिल रहा है 85 लीटर का, ठीक है। बूट स्पेस भी वही मिल रहा है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 48 लीटर की मिलेगी हमें। अब इसमें जो 1.5 लीटर का इसमें वो रहेगा, इंजन रहेगा। अब इस भाई, तो इसकी मैक्सिमम पावर जो रहेगी वो रहेगी 101 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा। मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा भाई 137 Nm का। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के साथ आएगी इसकी। जो ये सब चीज़ें थी दो उसमें मिलने वाली है। अब इसके जो है ना, ये इसकी जो इसी सेगमेंट की मैं आपको दो कारें और बताता हूँ, गुरखा और थार, जो ऑलरेडी लॉन्च होने वाली है। थार तो हम लोग जानते हैं, गुरखा के बारे में भी जानते हैं। ये अब का अपडेट वर्जन भी हमें देखने के लिए मिलेगा अपने नए साल में। फिलहाल तो मुझे जिम्नी के बारे में बताना, तो मैंने जिम्नी के बारे में बताया। जिम्नी, अब अगर आप थार लवर हैं, आपकी ख्वाहिश थी थार लेने के लिए, तो अब आप वेट नहीं करिए, आप बस थोड़ा सा वेट करिए। मतलब इतना वेट तो करना पड़ेगा कि बस कंपनी लॉन्च कर दे, 2023 तक का वेट करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये दिल पर राज करेगी और आपके बजट पे बिल्कुल खरी उतरेगी। तो ये था मेरा छोटा सा अपडेट मारुति सुजुकी की तरफ से। तो यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। बंद करते हैं।